बंसी जी, आज भी तुम्हारी मालकन बिस्तर ही में नाश्ता करेंगे? जी हाँ। डैडी डैडी देखो, हम सुंदर भी बन गए और नहा भी लिया। अरे वाह, हमारी बेटी तो इन फूलों से भी ज्यादा सुंदर बन गई। डैडी मम्मी कहाँ? मम्मी? मम्मी ऊपर हैं। वाह जी, हम सुबह सुबह रे नहाकर तैयार भी हो गए और वो अब तक नीचे भी नहीं आई। मम्मी मम्मी, ओ मम्मी, क्या है वाली? नीचे आ गई, हम बुलाते हैं। आती हूँ। देखा, हमारी मम्मी आती है। क्यों नहीं, हमारी बेटी का हुक्म हो और कोई इनकार कर दे? लो अब दूध पी लो, स्कूल का वक्त हो गया। नहीं, शाम को पीऊंगी। नहीं बेटा, अभी पी लो। अच्छा डैडी, अगर हम पी लें तो आप हमें क्या देंगे? हम तुम्हें मिठाई देंगे। मिठाई नहीं, हमें तो चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। हम तुम्हें चॉकलेट ला देंगे तो तुम दूध पी लोगी? हाँ पी लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये बात। और ये दूध? जब डैडी शाम को चॉकलेट लाएंगे तब हम दूध पियेंगे। शाम को नहीं, अभी। ये रहा तुम्हारा चॉकलेट। अब तो भाई हम फंस गए, लेकिन प्रॉमिस तो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा लो। लो बाली, हम आ गए। लेकिन बहुत देर से आए, अब तो हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा टाटा। टाटा टाटा डैडी। टाटा बेटा। नींद खुल गई कमल? रात रख क्लब में देर हो गई। लेकिन मैंने तो तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा था ना? कहा तो था, लेकिन चोपड़ा साहब की पार्टी थी क्लब में, हंसी खुशी में वक्त का पता ही नहीं चला। ठीक है कमल, मगर तुम्हारे घर में भी तो लोग बसते हैं, और किसी का ना सही, कम से कम बाली का तो ख्याल होना चाहिए तुम्हें। आप तो यूं कह रहे हैं जैसे मुझे किसी का ख्याल ही नहीं। ख्याल हो भी तो मैं कैसे समझ लूं, मेरे कहने के बावजूद इतनी देर तक पराए लोगों में रहना और फिर अकेली। फिर वही ताना, आप खुद तो जाना पसंद नहीं करते, मैं अकेली न जाऊं तो क्या करूं? बहस फजूल है कमल, अगर तुम्हें मेरी बात का पास नहीं तो यूं आना जाना भी जायज नहीं। ये मत भूलो, ये तुम्हारा घर है, सराय नहीं। आप ही मत भूलिएगा, ये घर है, जेल नहीं, जहां इंसान चार दीवारी में बंद रहेंगे। शरीफ घराने की औरतें घर की चार दीवारी को जेल नहीं समझती, स्वर्ग समझती हैं, स्वर्ग। लेकिन मैं स्वर्ग से बाहर जाना चाहती हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, मैं जिंदगी चाहती हूँ, जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी इस छत के नीचे है, इस चार दीवारी में है, बाली की देखभाल में है, मेरी खुशी में है, समझी? अब मैं ज्यादा लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज के बाद तुम बगैर इजाजत इस घर के बाहर कदम न रखना, ये मेरा हुक्म है। हुक्म हुक्म हुक्म, क्या देखो हुक्म, जाने हर वक्त अपने कैदियों से ही बात करते रहती है। डॉक्टर रमेश को बुलाना जरा, क्या कहा नहीं है घर पर? क्यों किया? क्यों किया?
यह सवाल तो मुझे तुमसे करना है। अच्छे खासे नौजवान हो, फिर खुदकुशी जैसी बुजदिलान हरकत क्यों कर रहे थे? तुम जिसे बुजदिली कहते हो वो शायद इंसानी बहादुरी की इंतहा है। बरसों की इससे सकती हुई जिंदगी के बाद हिम्मत का एक लम्हा मुझे नसीब हुआ था, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। मेरे भाई, तुम्हारी मौत के राह में खड़ा हो गया मैं, अब अपना गम मुझे कह दो, शायद तुम्हारी जिंदगी में ही कुछ मदद कर सकूं। मदद? मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। सच कह दूं तो शायद देवता भी मुंह फेर कर चल दें। देवताओं के मुतल्लिक तो मैं नहीं जानता, हाँ एक मामूली इंसान होने के नाते मदद का वादा कर सकता हूं। तो सुनो, मैं चोर हूं, मैंने अपने दफ्तर से 200 रुपए चुराए हैं। और पकड़े जाने के डर से यहां आकर जिंदगी से भाग रहे थे? हाँ, भाग रहा था, मगर पुलिस के डर से नहीं, अपनी मासूम बहन के डर से। बहन जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जिसकी अंधी आंखें मेरी आत्मा में झांक कर मेरे गुनाह की तस्वीर देख लेती और मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती। अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करते हो और उसे ही बेसहारा छोड़कर जा रहे थे? सचमुच मोहब्बत का जज्बा भी कितना बड़ा होता है, वो इंसान को देवता बना देता है और देवता को राक्षस। मेरे भाई, ये लो 200 रुपए, वहीं जाकर रख दो और कसम खाओ कि आइंदा के लिए कभी चोरी नहीं करोगे। बस एक सजा ही तो है जिंदगी, बस एक सजा ही तो है जिंदगी। कोई रो रो के काटे, कोई हंस के गुजारे, एक सजा ही तो है जिंदगी। बस एक सजा ही तो है जिंदगी। चाहे इसको बिगाड़े, चाहे इसको संवारे, एक सजा ही तो है जिंदगी। बस एक सजा। जमादार साहब, काम तो बराबर हो रहा है, हमारे गाने से आपका क्या बिगड़ता है? खामोश, चमड़ी उतर दूंगा। बहुत बिगड़ रहे हो प्यारे, मालूम होता आज जोर से डर कर आए। क्या बात है मंगू? कुछ नहीं हजूर, हम लोगों के गाने पर जमादार साहब जरा खफा हो गए। हजूर, मन और तन का बोझ हल्का करने के लिए रोना और गाना तो हर इंसान का हक है। ठीक है मंगू, लेकिन तुमने गलती की। क्या हजूर? तुम्हें जमादार साहब से इजाजत लेकर गाना चाहिए था, वो कभी इनकार न करते। क्यों जमादार साहब? जी जी हाँ जरा साहब। मैं आपको चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तार? मगर इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त तो मैं रुपए वापस रखने के लिए आया था, किसी भले आदमी से मांग कर लाया हूँ। किसी भले आदमी से मांगना था तो चोरी करने से पहले मांगा होता, कम से कम इंस्पेक्टर साहब को तकलीफ तो न करनी पड़ती। मैनेजर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हो गया था। चोर तो सभी मजबूर होते हैं, मगर मैं कसम खाता हूँ मैनेजर साहब। ये सब बातें आप अदालत से कहिएगा। चलिए।
बाबूजी का फोन है। पूछो क्या बात है। नहीं जमुना, मैं कवल से बात करना चाहता हूँ। वो आप ही से बात करना चाहते हैं। लीजिए। कहिए क्या बात है। कमल, बात यह है कि आज मैं जल्दी घर आने वाला था, लेकिन एक इमरजेंसी की वजह से सुपरिंटेंडेंट साहब ने मुझे यहीं रोक लिया है। अब उनके हुक्म के बगैर घर ना आ सकूंगा। ठीक है, आप उनके हुक्म के बगैर घर आ नहीं सकते और मैं आपके हुक्म के बगैर घर से जा नहीं सकती। हम दोनों हुक्म के गुलाम हैं, है ना? अभी तक नाराज हो? कभी कभी जेलर भी कैद हो जाता है। कह नहीं सकता, रात के 11 भी बज सकते हैं और सुबह के 5 भी। तुम मेरा इंतजार न करना। बहुत अच्छा, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी। क्या है? कौन? रमेश कहाँ चले गए थे सारा दिन? तुम्हें टेलीफोन करते करते तो मैं पागल हो गई हूँ। एक जरूरी केस आ गया था, देर हो गई। कहो क्या बात है? बहुत जरूरी बात है, तुम घर पे आ जाओ। लेकिन इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ, कल मिलूंगा। नहीं रमेश, कल कभी नहीं आता, आज इसी वक्त अभी। इतनी जरूरी बात है? हाँ है, तुम आओगे तो सब कुछ बता दूंगी। अच्छा तो मैं जल्दी ही आता हूँ। कब तक? एक घंटे तक आ जाऊंगा। अच्छा, मेरी आंखें घड़ी की सुइयों पर लगी ही रहेंगी। कहीं अच्छा था कि मैं जलाई जाती, मैं तो सुलगाई गई हूं। ये 7 साल मैंने सुलग सुलग कर बिताए हैं, अभी मैं राख नहीं हुई, अभी मैं राख नहीं हुई हूं रमेश। इन सब बातों को भूल जाओ कमल, और जैसे तुमने ये 7 साल सुलग सुलग कर बिताए हैं, उसी तरह ये समझकर सुलगती रहो कि तुम्हारे सुलगते रहने में ही भलाई है। तुम जिसकी हो चुकी हो, उसकी सिवा किसी दूसरे से मोहब्बत करना बुरा है। बुरा क्या? दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं। अगर जिंदा रहना बुरा है तो फिर अच्छा क्या है? मरना अच्छा है, जलना अच्छा है, रोना ये अच्छा है कि किसी को बेबस करके कुचला जाए? मोहब्बत करके निभाना पाप नहीं। मैंने तुमसे मोहब्बत की, फिर उसे निभाने क्यों नहीं दिया गया? ये क्या है रमेश कि हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? जो कुछ हो चुका वो दूसरों के लिए हुआ। जब हुआ, जब मुझ में भला और बुरा समझने की तमीज रखना थी। हम दूसरों के किए को क्यों माने? हम अपने लिए पैदा हुए हैं रमेश, हम अपने लिए जीते हैं। कमल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बिना सोचे समझे अगर 7 साल से यही सोच रही हूँ, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है कि मैं यूं ही घुलती रहूं। दिलीप के पास दौलत है, इज्जत है, वो मुझे चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उनका प्यार मेरे लिए जहर है जो धीरे धीरे मेरी जिंदगी पर टपक रहा है। मैं उन्हें नहीं चाहती, बल्कि मुझे उनसे कुछ नफरत भी हो गई है। तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें यहां से ले चलूं? हाँ, इसका अंजाम इस जिंदगी से बेहतर होगा। लेकिन लोग, समाज, दुनिया, मुझे किसी की परवाह नहीं। तो मैं घर जा सकता हूं? जी, थैंक यू सर, गुड नाइट। जमादार साहब, सब ठीक है, लेकिन होशियार रहना, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे घर पर फोन कर देना। आपका खाना कमरे में ही भिजवा दो सरकार। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कमल और बाली ने खाना खा लिया? जी, बाली तो खाकर सो गई, बहू जी बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? जी हाँ, डॉक्टर रमेश आए थे उन्हीं के साथ। डॉक्टर रमेश? घर में किसी की तबीयत खराब थी क्या? बाली तो अच्छी है ना? जी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन बहू जी कुछ परेशान और घबराई हुई थी। अच्छा, तुम जाओ आराम करो। जी बाबा।
डॉक्टर रमेश घर में हैं? जी डॉक्टर साहब घर में हैं। कौन कमल, तुम वहाँ हो, अच्छी तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी तो पिछले 7 वर्षों में एक दिन भी नहीं हुई। कमल जरूर तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं आता हूँ तुम्हें लेने। अपने आलीशान जेल में कैद करने के लिए, एक बेबस और लाचार औरत पर हुक्म चलाने के लिए, जुल्म करने के लिए? शुक्रिया, मेहरबानी करके ये तकलीफ ना कीजिएगा। कमल ये तुम क्या कह रही हो? मैं साफ लफ्जों में कह रही हूँ, कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। कमल मेरी समझ में नहीं आता। तो जरा आईने में अपना चेहरा देख लो, मेरा फैसला खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कमल तुम होश में हो या नहीं? बिल्कुल होश में हूँ, बल्कि 7 साल के बाद आज ही तो होश आया है मुझे, आज मैं आजादी का पहला सांस ले रही हूँ। कमल बस मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अच्छी तरह सुन लो, मैंने अपनी जिंदगी रमेश के हाथों में सौंप दी है, हमेशा के लिए। तुम क्या समझते हो मैं अपनी सारी उम्र तुम्हारे कैदखाने में गुजार दूंगी? सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर, तुम्हारे पिंजरे की सलाखों पर सर पटक पटक कर दम तोड़ दूंगी, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल है। ये तू क्या कर रहा है? तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन इस मासूम बच्ची का तो ख्याल कर। क्या तू इसे बिल्कुल ही अनाथ छोड़ देना चाहता है? फेंक दे अपना पिस्तौल, सोचता क्या है? कौन है डैडी? मेरे मम्मी का मम्मी बाली वाले, तुम्हारी माँ मर गई। मर गई, वो अब कभी नहीं आई, कभी gentlemen, now Miss Lillian and her partners will entertain you with a cabaret item. Miss Lillian.
पप्पी लल्ली, ए लल्ली पप्पी रगी। जसवंत, कहो भाई कैसे हो? हम तो अच्छे ही हैं, तुम अपनी कहो, यहाँ कैसे, कब से? ये साथ कौन है तुम्हारे? क्या छोकरियों की तरह शर्मा रहे, हम सब सुन चुके हैं। सच कहूँ क्या? चुन के हीरा उड़ा लाए। जसवंत, भगवान कसम झूठ ना बोलूं, उस पिंजरे में सजती भी न थी, ऐसी हुसन की मूर्त तो तेरे ही जैसे का हिस्सा है। जसवंत, ये बकवास मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी कौन सी ब्याहता बीवी है जो बिगड़ रहे हो? अच्छा भाई भाई, फिर मिलेंगे। यही है वो डॉक्टर रमेश जो दिलीप जेलर की बीवी को ले भागा। अच्छा, तो इनके साथ जो देवी है वो मिसेस जेलर है। दोनों कुछ घबरा गए हैं। जी जनाब, अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कहाँ ठहरे हैं ये लोग? इसी होटल में तो ठहरे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ भी अब ऐसे वाहियात लोग आकर ठहरने लगे? हम जहाँ भी जाते हैं हमारी शोहरत हमसे पहले पहुँच जाती है। कमबख्त ने गाना भी तो चुन के गाया, जी चाहता था उठ के उसका मुंह नोच लूं। हमें यह होटल छोड़ देना होगा कमल, कहीं और चले जाएंगे। कमीन, मुझे अफसोस है मिस्टर रमेश। कहने की जरूरत नहीं मैनेजर साहब, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, हम कल ही यह होटल छोड़ देंगे। शुक्रिया, बहुत ही समझदारी से काम ले रहे हैं आप, लेकिन अगर आज ही तशरीफ ले जाए तो बेहतर होगा। रमेश, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है, बस चले तो अपनी जान देकर तुम्हारी इज्जत की रखवाली कर लो। पगली, तुम्हारा क्या दोष है, मैंने भी तो सोच समझ कर ये कदम उठाया है। चलो तैयारी करो। बस एक सजा ही तो है जिंदगी, कोई रो रो के काटे कोई हंस के गुजारे, एक सजा ही तो है जिंदगी। ओ खेल बन बन के देखे बिगड़ते यहाँ, और मिल मिल के देखे बिछड़ते यहाँ, सच्चे भी हारे, एक सजा ही तो है जिंदगी, बस एक सजा ही तो है जिंदगी। लगा के हवा दे गए, हुए
जो एक दिन हमारे एक सजा ही तो है जिंदगी कोई रो रो के काटे कोई हंस के गुजारे एक सजा ही तो है जिंदगी बस एक बंद करो ये बकवास आज के बाद गाने की आवाज मेरे कानों में आई तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा लेकिन जेलर साहब हाँ जमादार साहब आप ड्यूटी करने आए हैं या खड़े खड़े गाना सुनने जाइए नए कैदियों को हाजिर कीजिए मैं उनका मुआयना करना चाहता हूं जो खेला 2 साल बामुशक्कत तोताराम 4 महीने ज्यादा भीकू 3 साल बामुशक्कत माता दीन 1.5 साल बामुशक्कत जेरी 4 साल बामुशक्कत जेरी तुम फिर आ गए क्या बताऊं हुजूर बाहर चैन नहीं पड़ता दिन बेकरारी में और रातें तारे गिनने में कठिन सा काम करना है अब यहाँ हाथों में छाले और बदन पर हंटरों के निशान गिनना अरे माँ बशीर 6 महीने सादा जान फर्नांडिस 1 साल बामुशक्कत विष्णु 3 साल बामुशक्कत प्रेम प्रकाश 6 महीने बामुशक्कत दिलीप बाबू जेलर साहब कहो ये जेल है तुम्हारे बाबा की हवेली नहीं है जेलर साहब मैं प्रेम हूँ आपने मुझे पहचाना नहीं खूब पहचानता हूँ तुम्हें तुम एक जलील चोर हो जिसने अपने दफ्तर में डाका डाला है जेलर साहब ये क्या हो गया है आपको आप ही ने तो मेरी मदद की थी ऐसे कई जलील लोगों को गलती से भीख दे चुका हूँ ले जाओ मालूम है कल क्या होगा कल क्या होगा सुना दो खुश हो गए सुना दो हंसो तुम भी हंसो कल ये समझ लो कि तुम्हें फांसी होगी तुम्हारे दिल पर चोट लगी मैं खुश हुआ अब मैं दुनिया में हर इंसान को रोता हुआ देखकर खुश होता हूं तुम हंस रहे हो लेकिन तुम्हारी हंसी मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है इसीलिए तो हंस रहा हूं कि तुम्हारे तड़पने का मजा देखूं मुझे अपनी तकलीफों का गम नहीं लेकिन मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा वो बेचारी तो बेगुनाह है वो बहुत बड़ी गुनहगार है उसने तुझ जैसे नालायक बेटे को जन्म क्यों दिया ऐसा ना कहो तुम्हारी भी तो औलाद है क्या तुम आज बताओ वो मेरी बच्ची है जेलर की बच्ची है वो ये कचहरी आ गई ये थाना आ गया ये स्टेशन आ गया और ये घर आ गया घर अभी कहाँ आया अभी तो बहुत दूर है अब तो आ गया अब तो भाई हम थक गए घोड़ा बूढ़ा हो गया है चलता ही नहीं थोड़ी सी दूर में थक जाता है मार डालोगी और जब मैं मर जाऊंगा तो याद करोगी कब मरोगे बंटी जब भगवान चाहेगा झूठ जब डैडी मारेंगे तब मरोगे हाँ डैडी कह रहे थे क्या कह रहे थे कह रहे थे कि मैं बंटी को मार डालूंगा कब कह रहे थे परसों कह रहे थे बंटी वो तुम्हें क्यों मार डालेंगे ऐसे ही कह रहे होंगे ऐसे नहीं वो तो वैसे कह रहे थे बच्चे एक काम करना तुम अगर बाबूजी मारे ना तो तुम मरना ही मत हाँ बच्चे डैडी डाली बोली मेरी बोली इतनी जल्दी आ गए जल्दी ना आता तो क्या करता क्या मतलब सारे शहर में हमारे चर्चे हो रहे हैं जिस तरफ गया लोगों की उंगलियां उसी तरफ उठी उनकी नजरों में नश्तर है उनकी हंसी में जहर है
देखो तो किसका फोन है। रिसीवर रख दो, मैं नहीं सुनूंगा। शायद तुम्हारे किसी दोस्त का हो। तुम जिद करती हो तो। हेलो, हेलो डॉक्टर रमेश। जी आप कौन है? अरे भाई हम कोई भी हो, बस डांट देते हैं प्यारे, क्या बुलबुल उड़ा रहे हो। बात शहर के बच्चों तक पहुंच गई है कमल, अब हमारा यहां रहना नामुमकिन है। अब क्या करें? यहां से भी जाना पड़ेगा, और क्या। रमेश तुम्हें मेरे कारण कहां कहां भटकना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती हो कमल, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, बहुत दूर, इतनी दूर जहां हमें पिछली जिंदगी की याद तक ना आ सके। पिछली जिंदगी? रमेश कल मेरी बाली की सालगिरह है, तुम कहो कि उसे एक नजर देख लूं, फिर जाने जिंदगी भर देखो न देखो। रमेश मेरी खातिर। क्यों नहीं, जाते जाते उधर से निकल जाएंगे, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं उसे दूर ही से एक नजर देख लूंगी, सिर्फ एक नजर। अच्छा कमल चलेंगे, जरूर चलेंगे। रमेश बाली का स्कूल 4 बजे को बंद हो जाता है, कहीं हमें देर तो ना हो जाएगी। घबराओ नहीं, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। ये लो। अब तो खुश हो? रमेश तुम कितने अच्छे हो। मेरी आंखें नहीं खुलती हैं डॉक्टर। आपकी आंखें तो खुली हैं डॉक्टर रमेश। तो क्या मैं अंधा हो गया? मैं अंधा हो गया डॉक्टर, मैं अंधा हो गया हूं। जख्म बिल्कुल भर गया है, अब आप बखुशी अस्पताल से जा सकती हैं। लेकिन कमल अब मेरा कौन रखवाला है? अभी मैं जी रहा हूं कमल, और इसीलिए जी रहा हूं कि तुम्हारी रखवाली अब मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे हादसे की खबर सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने सोचा चलो एक बार फिर अपनी कमल की रखवाली कर देखूं। मगर ये हादसा हुआ कैसे? शायद तुम लोग कुदरत के नजारे देखकर उसकी खूबसूरती में खो गए। खूबसूरती चीज ही ऐसी है, इंसान ऐसा खो जाता है कि उसे दीन दुनिया की सुध नहीं रहती। अपने किए पर मत पछताओ, तुमने जो कुछ किया अच्छा ही किया, हरेक का जी चाहता है कि वो सैर सपाटा करे। अरे ये तुम्हारे चेहरे पर कालक कैसी? जख्म का निशान है। ओ मैं समझा कालक लग गई, चलो अच्छा हुआ, आखिर तुम पर भी दाग लग ही गया। अब तुम किसी दूसरे की सूरत में कीड़े निकालने का लायक नहीं रही। मुझे तुम्हारे इस अख्तियार के छीन जाने का बड़ा अफसोस है। हाँ वो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे वाले डॉक्टर रमेश कहाँ है? उन्हें देखो कितनी जल्दी तुम्हारा साथ छोड़ बैठे, और एक मैं हूं कि तुम्हें फिर लेने आया हूं।
सुना है उनकी आंखें जाती रही हैं। वो शायद इसी अस्पताल ही में तो हैं। चलो उन्हें देखाएं। दिलीप बाबू आपसे मिलने आ रहे हैं। मुझसे मिलने आ रहे हैं? मुझसे क्यों मिलने आ रहे? नहीं नहीं, मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, कभी नहीं दिखा सकता, कभी नहीं दिखा सकता। नहीं, अंधा है क्या? आपने ठीक कहा, मैं सचमुच अंधा हूं। ओह, माफ कर रसूलदास जी, मगर इस तरह अकेले कहां निकल पड़े? कहां जाना है? ये तो मैं नहीं जानता भाई। वाह, तुम तो सचमुच कसूरदास दिखते हो। मगर अफसोस, मैं कृष्ण भगवान नहीं कि हाथ पकड़कर वृंदावन पहुंचा दूं। हाँ, नजदीक ही एक मंदिर है, अगर कहो तो वहां ले चलूं। मेरे भाई, इंसानों के बात तो देवताओं की फिक्र रहे हो, किधर है मंदिर? चलो। जमुना जी, तुम्हारी मालकिन आई है। मालकिन आई है? हाँ, कुछ बदल गई है। कहाँ है? जाओ, मोटर में बैठी है, उन्हें ले आओ। बहू जी, अच्छी हो जमुना। आ, देखो इन्हें वहां नहीं, इस कमरे में ले जाओ। आज हमारे घर के भाग फिर कुछ ऊंचे हो गए हैं। बहू जी रूठ गई थी, अब मन गई हैं। इनकी खातिर मदारात में दिन रात एक कर दो, कहीं ऐसा ना हो ये फिर खफा होकर निकल भागे, समझी? इनसे पूछ देखो इन्हें क्या क्या चीजें पसंद हैं। तुम्हें तो अच्छी अच्छी सूरतें पसंद होंगी। वाली कहां है? वाली घर में है। उससे मिलोगी? क्या करोगी उससे मिलकर? तुम तो उसके लिए मर चुकी हो, एक मरे हुए को जिंदा से वास्ता ही क्या? तुम उससे नहीं मिल सकती, और न तुम मां बेटी एक दूसरे को देख सकती हो। तुम्हें तो बाली से ज्यादा खूबसूरती भली लगती है, और वो मैं तुम्हें हर वक्त दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, उसका फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मुझे
दर्शन दे फिर छीन ले अखियां, ये मुझको मंजूर रे मालिक, ये मुझको मंजूर। मुझी में छुप कर मुझी से दूर, ये कैसा दस्तूर रे मालिक, ये कैसा तुझे पहचान लिया। चली हवा जब तन को छू कर, मैंने तुझे पहचान लिया। तुझ बिन कोमल हाथ ये किसका होगा, मैंने जान लिया। धूप हवा सब रूप है तेरे, सब में तेरा नूर मालिक, सब में तेरा नूर। मुझी में छुप कर मुझी से दूर, ये कैसा दस्तूर मालिक, ये कैसा दस्तूर। तुम बिन दूजा है, तेरी खुशी में खुश है दाता, हम बंदे मजबूर रे मालिक, हम बंदे मजबूर। मुझी में छुप कर मुझी से दूर, ये कैसा दस्तूर रे मालिक, ये कैसा दस्तूर। यही हो तुम? किसे पूछ रही हैं आप? तुम्ही को। मुझे? मुझे जानती हैं आप? नहीं तो, और अगर जानती भी तो पहचान थोड़े ही सकती, आंखें नहीं है मेरी। हाँ, तुम्हारी आवाज से खींची चली आई, खूब गाते हो तुम। इसे गाना कहती हैं आप? वो तो जानिए, आपके भजन ने आत्मा को जगा दिया और आवाज निकल पड़ी। इसीलिए तो इतना असर था आवाज में, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा मतलब है सोना, तुम कल भी आओगे? मैं तो यहीं रहने आ गया हूँ। मंदिर में? जी हाँ, पुजारी जी की दया से। अच्छा, तो घर नहीं है तुम्हारा? इससे अच्छा घर और कौन सा होगा देवी। चलो अच्छा है, रोज मिलके भजन करेंगे, इसमें तो साथ रहेगा हमारा। एक और चीज में भी हम साथी हैं। वो क्या? आंखों का अंधेरा। आंखों का अंधेरा? हाँ, मेरी भी आंखें नहीं। ओह। नमस्ते। जाता है मुझी, जानता नहीं हर एक बात का कोई वक्त होता है, फिर जो ऐसा किया तो बत्तीस ही निकाल दूंगा हराम को। क्या हुआ चौधरी जी? हुआ कुछ भी नहीं, बस मतलब ये कि गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों आ रहा है गुस्सा? ऐसे ही बस आ रहा है, मतलब ये कि पूजा खत्म हुई, अब घर न जाएगी? चली जाऊंगी, तुझे क्या? लो और सुनो, हमें क्या, अरे रात हो गई, अकेली कैसे जाएगी? मतलब ये है
कि हमारे साथ चली चल। इतनी तकलीफ न करना चौधरी, मैं आ गया हूँ, ले जाऊंगा छाया को अपने साथ। चल बिटिया। पुजारी, ओ पुजारी, क्या है चौधरी जी? अरे पाखन तो खुद फैलाते हो और बात हमसे पूछते हो, वाह! तुम हमारा अपमान कर रहे हो चौधरी। नहीं तो क्या आरती उतारूं? याद रखो, तुम इस मंदिर के पुजारी हो। ये मंदिर और तुम्हारी रोटियां हमारे दम से चलती है। मत बोलिए कि अगर तुम चाहते हो कि बात बनी रहे तो उस अंधे को मंदिर से निकाल दो। चौधरी, हमारी रोटियां तो उसकी कृपा से चलती हैं जो तुम जैसे पापियों का भी पेट भरता है। तो तुम उसे नहीं निकालोगे? मंदिर भगवान का घर है, यहाँ किसी के आने जाने पर बंदिश नहीं हो सकती, यहाँ तक कि तुम जैसे नास्तिकों पर भी नहीं। याद रखना, पछताओगे। कल से एक जीव भी मंदिर में घुस गया तो नाम बदल देना। मत बोलिए कि भूखा न मार दूं तो चौधरी नाम ले। अच्छी हो? अच्छी हो। यही होना चाहिए, मुझे तुम्हारा बेहद ख्याल है। मैंने सोचा चलो पूछाओ मेरी कमल को कोई तकलीफ तो नहीं है। ये चाहत भी क्या बुरी बला है, सारे बाजार छान लेने के बाद ये चंद तस्वीरें मिल सकी हैं। यहां आओ, देखो ये दुनिया के तमाम खूबसूरत आदमियों की तस्वीरें हैं। शनाख्त करना मुश्किल है इनमें से कौन ज्यादा हसीन है। कम से कम मेरे लिए तो यकीनन मुश्किल है, शायद तुम शनाख्त कर सको। हुस्न की कमी और ज्यादती को परखना एक दिलचस्प मशगला है। मेरा ख्याल है तुम इस मशगले में लगी रहो। मैं समझ रही थी, तुमने मुझे माफ कर दिया है। कतई, और माफी क्या करना था? आखिर तुमने मेरा बिगाड़ा ही क्या था? तुम्हारा रेल की सवारी को जी चाहा, तुम कर आई, और ये कोई जुर्म नहीं। यूं कोई परे से अंगारों को देखे, कितने सुंदर लगते हैं, सुनने में तुम्हारी बातें कितनी मीठी और समझने में कितनी कड़वी है। मेरी बातें बुरी बातें हैं? मेरी हर बात बुरी है, मेरा अच्छा ही क्या है? तुम्हारे समझने की बात है। पपीहे की पुकार भी सुनने में सुरीली और समझने में दर्दनाक होती है। मुझे यूं मत मारो, बड़ी तकलीफ है इस मरने में। तो मजा किस मरने में है? कहते हैं हर तकलीफ के बाद राहत होती है, जब ज्यादा तकलीफ से मरोगी तो ज्यादा राहत पाओगी। ये तुम मुझे आज पूछने आए हो, ये तुम्हें हो क्या गया है बाबू? इनसे पूछो जो मेरा कलेजा निकाल कर ले गई थी, जो मुझे उजाड़ के चल दी थी। पांव कभी कभी फिसल ही जाते हैं, पर उन्हें कोई तोड़ थोड़ी ही डालता है। बहुत कर चुके हो बाबू, अब बस करो। अभी मैंने किया ही क्या है, अभी तो धुआं घुट ही रहा है जो ये मेरे सीने में भर गई थी। हमने किसी को किसी खता पर ऐसा बदला लेते नहीं देखा। इतना किसी को सताओ अगर सताना चाहते हो कि वो सह सके, और अगर इन्हें मारने ही की ठान ली है तो एक ही वर्तमान मार डालो, ये झगड़ा ही मिट जाएगा। कायदा है कि कोई कीड़ा अगर काट ले तो उसे मार डालते हैं, सिर्फ काट लेने ही के जुर्म में। जरा सी खता की सजा बड़ी होती है, बहुत बड़ी। यही होता है, मुझे तो बड़े जोर से काटा गया था, बड़े जोर से, फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। पर तुम्हारा सुलूक मारने से भी ज्यादा है। जो मजा तुम इनको सता के चखना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा मजा इनके माफ कर देने में है बाबू। खैर, तुमने मुझे पाला है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, और इस सिखाने के जमाने में मारा भी होगा शायद, लेकिन अब मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, और ऐसे मामलों में और भी जिनका लगाव मुझसे है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हें देखना पड़ेगा, और अगर तुमसे ये नहीं देखा जाता तो तुम इस घर से जा सकती हो। अब ऐसे आदमियों की जरूरत है जो मेरे कामों में दखल न दिया करें। कहाँ जाते हो?
जाओ उधर। अच्छा हो रहा है ये बात नाच नाच हो रहा है अंदर। अच्छा अच्छा क्या है क्या नाच जाओ नहीं भाई हम मंदिर में जाएंगे। क्या करता है मारो दो डंडे चल। महाराज आज भजन कीर्तन का समय नहीं हुआ अभी। समय तो होने आया परंतु भक्तों में से आज कोई भी नहीं पहुंचा। अजीब बात है रोज तो समय से पहले ही आया करते। सबके बिगड़े काम करोड़ों जग में जिसके नाम पलट कर आ भी जा शरण उस राम की पलट कर आ भी जा शरण उस राम की। संवारे सबके बिगड़े काम करोड़ों जग में जिसके नाम पलट कर आ भी जा शरण उस राम की पलट कर आ भी जा शरण उस राम की। ओ माटी के पुतले का है
इधर उधर तू भटके, झूठी राह ना चलना मूरख, साची राह से हटके, ओ साची राह से हटके। जगत के झूठे सारे काम है सांचा एक उसी का नाम, पलट कर आ भी जा शरण उस राम की, पलट कर आ भी जा, पलट कर देख ले वो काली टोपी वाले आ, मेरी गिरनी जैसी चाल वो मेरे घूंघट वाले बाल, पलट कर देख ले वो काली टोपी वाले आ, पलट कर आ भी जा शरण उस राम की, पलट कर आ भी जा, पलट कर देख ले वो काली टोपी वाले आ, ए पलट कर देख ले वो काली टोपी वाले आ। सूरज निकले बोल तेरा फिर क्या दम है, ओ जब सूरज निकले बोल तेरा फिर क्या दम है, मेरा एक इशारा देख काफिले रुक जाए, मेरा एक इशारा देख काफिले रुक जाए, प्रभु उंगली एक उठाए तो पर्वत झुक जाए, झुक जाए, जो घड़ी बैठ के देख मेरी जुल्फों के छाओ में, मेरी जुल्फों के छाओ में, तना हुआ है नील गगन का छत्र प्रभु के गाँव में, तना हुआ है नील गगन का छत्र प्रभु के गाँव में, प्रभु के गाँव में, इस छत्र तले आराम जो सबको देता है बेदाम, पलट कर आ भी जा शरण उस राम की, पलट कर आ भी जा शरण उस राम की, तुम्हारे सबके बिगड़े काम करोड़ों जग में जिसके नाम, पलट कर आ भी जा शरण उस राम की, पलट कर आ भी जा शरण उस राम की।
हाँ बेटा हाँ। बाली तुम्हें बहुत याद करती है, कहेगी ना? अच्छा अच्छा कर दूंगी, लेकिन तू थोड़ा सा खाना तो खा ले बेटा, थोड़ा बस। अब मुझे नींद आ रही है। जान देना चाहती हो क्या? ऐसे भाग कहा कि जान ही निकल जाए। मुझ पापन से तो मौत भी मुंह मोड़ बैठी। भगवान का ध्यान करो बहू जी, तुम्हारी भूल ने बाबू को देवता से राक्षस बना दिया है। अब भगवान ही उनके दिल में दया भर सकते हैं। चंदा, इस दिन रात के रोने से क्या बनेगा? डरूं तो और क्या करूं? इस तकलीफ से बेचैन होकर रोना पड़ता है। उससे कहीं ज्यादा तकलीफें हैं जिनके बीच में डाल दी गई हूं। जब जो नश्तर के मेरे कलेजे में चुभ जाते हैं वो आखिर मेरे कलेजे का खून न करे तो क्या करे? तू तो मेरी पिता सुनकर रो पड़ी, मेरी दशा देखकर तेरे आंसू निकल पड़े। मेरा इस पर कुसर दिए क्या कुछ हालना होता होगा? जमना, क्या तेरा दिल भी मेरी मुसीबतों पर नहीं पसीजता? क्या तुम्हें यह गवारा कर सकती है कि एक माँ अपनी बच्ची से बिछड़ी रहे, नजदीक होते हुए उसकी सूरत न देख सके? तू भी माँ बन चुकी है, तूने भी ममता का मजा चखा है। एक बार मुझे मेरी बाली से मिला दे, जा उसे जाकर कह दे कि माँ आ गई है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये मुझसे कभी नहीं होगा? अम्मा, मुझसे नहीं हो जाएगा, कभी नहीं हो सकेगा। मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मम्मी इधर आओ ना। मम्मी, मेरी मम्मी आ रही थी उस दरवाजे से, सचमुच आ रही थी। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। मम्मी से मिलोगी बेटी? हाँ। अच्छा अच्छा, बैठ जा, आंखें बंद कर लो। मैं अभी तुम्हारी मम्मी को लेकर आती हूँ। चलो बहू जी, बाली से मिल लो। क्या कहा? मुझे बाली से मिला दोगी? मुझे बाली से मिला दोगी? हाँ, आज के बाद जो गुजरेगी उसे मैं सहूंगी। चलो चली गई थी ना, तो मैं बहुत रोई थी।
डैडी ने तुझे बहलाया नहीं, वो तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी अगर मुझे जाना पड़े ना तो बिल्कुल नहीं रोना। हाँ तुम फिर चली जाओगे मम्मी? शायद जाना पड़े मुझे छोड़ के। बाली मेरी बच्ची, जो चला जाता है ना उसे भूल जाया करती है, तुम्हें मुझे भूल जाना। हाँ अपनी दादी की बेटी बनकर रहना, वो तुझे बहुत प्यार करेंगी। बहू जी अब चलो, दिलीप बाबू के आने का वक्त हो गया, कहीं देख लिया फिर तुम कभी नहीं मिल सकोगी। कभी ना मिल सकूंगी? मेरी मुश्किल को और ज्यादा मुश्किल ना बना। देखो तुम्हारे डैडी आ गए। अरे डैडी को आए इतनी देर हो गई और हमारी बाली का पता ही नहीं। अच्छा भाई हमें माफ कर दो, आज हमें जरा देर हो गई, अब निकल आओ। जमुना क्या बात है, बाली कहां है? बाली को बुखार आ गया। बुखार आ गया कैसे? तुमने मुझे खबर क्यों ना पहुंचा दी? अभी तो आया है बुखार, डॉक्टर को बुलवा लो। नहीं जमुना डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर की दवा डैडी के प्यार से ज्यादा अच्छी है क्या? बाली बाली देखो बेटा तुम्हारे डैडी आए हैं। बाली डैडी? हाँ बेटा। माँ को बुलाओ डैडी, वो मुझे गोदी से उतार के चली गई डैडी। जमुना ने उसे भेज दिया। तबीयत बहुत खराब है, सपना देखा होगा। डैडी मम्मी को बुलाओ डैडी, वो यही है, मैंने उसे देखा है, सचमुच देखा है डैडी, मैं झूठ नहीं बोलती दादी। तुम झूठ नहीं बोलती, मैं जानता हूँ तुम सच कह रही हो, तुमने जरूर मम्मी को देखा होगा मगर नींद में। अगर वो नींद थी तो मुझे सुला दो डैडी, मैं जागना नहीं चाहती कभी नहीं। बाली बाली ऐसा न कहो, बाली ऐसा न कहो। हेलो आई एम सुपरिंटेंडेंट जेल्स प्लीज, दिलीप जेलर स्पीकिंग। हेलो कौन? सुपरिंटेंडेंट साहब जी मैं दिलीप जेलर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, अर्ज ये है कि मेरी बच्ची की तबीयत कुछ खराब हो गई है इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा। जी कल रात से। जी हाँ कुछ ज्यादा ही खराब है, शायद दो चार दिन तक मैं ना आ सकूं। बाली बीमार है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खोल दो दरवाजा, मेरी बच्ची बीमार है, मुझे उसके पास जाने दो। मैं कैसे दरवाजा खोल दो? मेरी बच्ची बीमार है, मुझे उसके पास जाने दो। शोर क्यों मचा रही हो? मैं बाली के पास जाऊंगी। नहीं जा सकती तुम। चले तो मुझे, तुम मुझे मत रोको, मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं जा सकती तुम। ममता को मत कुचलो, माँ बेटी के बीच से हट जाओ। नहीं हटोगे? तुम्हें हटना पड़ेगा। मुझे रेत की दीवार न समझो, समझ लो कि तुम्हारे सामने एक भारी पत्थर आ पड़ा है,
जिसे ना तुम फलान सकती हो ना हटा सकती हो। इस एक ही ठोकर के बदले मैं बहुत ज्यादा सह चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। नहीं सहा जाता तो मैं क्या करूँ? अब तो मेरी यही तमन्ना है कि जो कुछ भी तुमसे न सहा जाए वही सहने के लिए तुम्हें मजबूर करो। अपने घर में ले आऊं ताकि वो फिर मेरा कलेजा नोच कर ले जाए। तुम कभी अपने होश में? जमुना, ये मुझसे कभी नहीं हो सकेगा। कोई भी अपने डूबने के लिए कुआं नहीं खोदा करता। डॉक्टर को तुम इस घर में कभी नहीं बुलाऊंगे। और चाहे बाली की हालत पूछे क्यों ना हो जाए, हाँ? मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं। आप क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूं, ये जानता हूं कि जब कभी कोई डॉक्टर मेरे घर में आता है तो मेरी जिंदगी की रौनक चुरा कर ले जाता है। कहीं तुम भी ये बचा कुचा सरमाया लूट कर ना ले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत करना डॉक्टर, यही मेरी जिंदगी का सहारा है। मेरी वीरान दुनिया में यही एक आबादी रह गई है, कहीं से मत उजाड़ देना डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम उजाड़ना नहीं है, लेकिन आपने मुझे जल्दी बुलाया होता तो बेहतर था। डैडी। हाँ बेटा। डैडी, मम्मी को बुलाओ। डैडी, मैं मम्मी से मिलूंगी। बच्ची की माँ कहाँ है, उन्हें बुलवा लीजिए। माँ के प्यार से बढ़कर कोई जादू नहीं। दुनिया भर के इलाज एक तरफ और ममता भरे सीने की हरारत एक तरफ। डैडी। बेटा, मम्मी को बुलाओ। डैडी, मम्मी से मिलोगी? कह तो रही है, मान लो इसकी बात। अब जिद करने का वक्त नहीं है बाबू, अब बंजारा कुत्ते को मार कर पछताएगा। बाली की आखिरी बात को अगर तुमने टाल दिया तो ये बार बार तुमसे कहने नहीं आएगी। जमुना, कमल रूठ गई, वो फिर भाग गई। देखो तुम्हारी मम्मी फिर चली गई। मम्मी चली गई अकेली? क्या करूं मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। उन्हें ले आओ बाली।
प्रकार सबको समझा बुझाकर आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर चले, परंतु वृंदावनवासी उनके वियोग को न सह सके और उनके रथ के पीछे पीछे चलने लगे। छाया, आज इतनी सुबह आ गई? हाँ रमेश बाबू, तड़के तड़के जो नींद टूटी तो बस उसके बाद सोने का मन ही नहीं चाह। मगर नींद क्यों टूट गई? एक बहुत सुंदर सपना देखा। इतने सुंदर सपने का आनंद तुम्हारे साथ बांटे बिना रहा नहीं गया, तो चलिए। क्या सपना देखा छाया? बता दूंगी, पहले ये बताओ सपने सच भी होते हैं? कहते तो यही है कि सुबह का सपना सच होता है। अब जाने तुमने क्या देखा है, कोई अनहोनी बात हो तो? अनहोनी तो नहीं बाबू, पर इतनी अच्छी बात है कि मन को विश्वास ही नहीं आता। अच्छा तुम, मैं भी सुनो। तुम्हारा ही तो सपना है बाबू, हम दोनों को आंखें मिल गई हैं, तुम्हें भी और मुझे भी। प्यार के लिए प्यार की निशानियां सुनाए ये कहानियां।
सपना टूट गया और नींद खुल गई। कुछ कहो ना। क्या कहूं छाया, कितना ही सुंदर सपना फिर भी सपना ही है। पर तुमने तो कहा था सुबह का सपना सच होता है। लो, मंदिर के घंटे ने भी हामी भर दी। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्यों रमेश बाबू? हाँ छाया, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं भगवान ही से कहती हूँ, अभी आई। कहो डॉक्टर रमेश, मजे में हो? डॉक्टर, कौन हो तुम? मैं कान हूं। मत बलिए कि मेरी मोहब्बत लूटते वक्त नाम पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। ओ चौधरी, मगर तुमने मुझे डॉक्टर क्यों कहा? इसलिए कि मैंने तुम्हारा पूरा पता लगा लिया है। किसी शरीफ इंसान का घर बर्बाद करके सूरदास हो गए और अब उस अंधी की जवानी से खेल रहे हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करता। हाँ हाँ, तुम मुझसे क्यों बात करोगे? मत बोलिए कि तुम तो छाया के साथ लैला मजनू का खेल खेलोगे। खानदान बदमाश, जो छाया के लिए मुझसे एक लफ्ज निकाला। अरे वाह सूरदास, हम बदमाश हैं और तुम भगत हो। मत बोलिए कि ये सुबह सुबह उसके साथ भक्ति कर रहे थे। ये क्या हरवांग है चौधरी? मत भूलो कि भगवान के घर में उसके भक्तों का राज है। पातेर बना पाखंडी, हमारे टुकड़ों पे पलता है और ऐसे बदमाशों को मंदिर में सहारा देकर पाप फैलाता है। रामू कलवा, देखते क्या हो, सच्चे मार्ग निकाल दो इस अंधे को। रामू कलवा, मैं कहता हूँ रुक जाओ, ये सब झूठ है। पुजारी, अपनी खैरियत चाहते हो तो एक तरफ हो जाओ, वरना तुम्हें भी बड़ा फेंक दूंगा। खबरदार चौधरी, तीनों के रहते कोई बाबू का बाल भी बिका नहीं कर सकता। ओ तो फिर आ गया। देख तीनू, ये मंदिर का मामला है, मतलब ये है कि धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं कर गुजरूंगा। अरे तू धर्म की बात करता है, कान खोल कर सुन ले। बाबू को या महाराज को हाथ लगाने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये बात है, देखते क्या हो। लपेट लो इसे, लपेट लो। क्यों आशिक से बिछड़ने का दुख होता है? फिर कभी इधर का रुख किया तो बहुत बुला होगा। रमेश बाबू, रमेश बाबू। सलाम जले साहब, क्या बात है मंगू? बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज कान में नहीं आई। गाना वाना बंद कर रखा है क्या? जी वो तो आप गाया करो भाई, तुम्ही ने तो कहा था तन और मन का बोझ हल्का करने के लिए गाना और रोना हर इंसान का हक है। जमादार साहब, सुना आपने? भाई अपनी समझ में कुछ नहीं आता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। मेरी समझ में कुछ कुछ आता है जमादार साहब। हम लोग दिमाग से बात करते हैं, वो दिल से करते हैं। प्रेम जी, कैसे हो? अच्छा हूं। प्रेम, तुम सुनकर खुश हो गए कि मैंने तुम्हारी बाकी मियाद की माफी के लिए सिफारिश की थी, वो मंजूर हो गई है। दिलीप बाबू, आप सचमुच देवता हैं, मेरा रोम रोम दुआएं देगा आपको। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, एक बार मिला दो, मैं बात भी नहीं करूँगी, सिर्फ देख कर ही चली जाऊंगी। मैं मजबूर हूँ, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। जमादार साहब। जी साहब। सलाम साहब। क्या बात है, तुम किससे मिलना चाहती हो? अपने पिताजी से, दो महीने से नहीं आ सकी मैं, माँ बहुत बीमार थी, भगवान के लिए। बाप को बेटी से जुदा नहीं होना चाहिए, बड़ी कयामत की बात है। जमादार साहब, बेटी को बाप से मिलवा दीजिए, ऑर्डर बाद में ले लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
कौन है? अरे चौधरी हूँ। मत बोलिए कि तुम्हारा सेवक। क्यों आए हो यहाँ? तू तो ऐसे बोले है जैसे मैं तेरा दुश्मन हूँ। अरे मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। कैसा हाल? ये हमारे दिल से पूछ। न वो रूप न वो रंग, मत बस ये कि बाल रूखे, आंखें गीली, मुंह पीला, कब तक इस तरह अपने आप पर जुल्म करती रहेगी? क्या बकते हो? तो इसे बकवासी समझे रानी, मगर कैसा बकेगी हूँ। माना के मिलके बिछड़ जाने वाले यादों की कसक छोड़ जाते हैं, मगर यादों के सहारे तो जिंदगी नहीं कटती। और फिर तुम्हारी ये पहाड़ जैसी जिंदगी। बस चौधरी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम जाओ यहाँ से। झगड़ा बहुत हो गया रानी, अब तो मिलाप की बातें करो। मत भूलिए कि बड़ा मजा है उस मिलाप में जो सुलह हो जाए जंग होकर। कह दिया ना, दफा हो जाओ यहाँ से। जिद छोड़ दो रानी, मुझ गरीब के दिल पर नहीं तो अपने आप पे तरस खाओ, अपनी भरपूर जवानी पे तरस खाओ। बकवास बंद कर कमीने, बेशरम, चला जा, चला जा यहाँ से। तू इस तरह नहीं मानेगी, बड़े जो कह गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता बिल्कुल सच है। मत बोल ये कि अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चौधरी, लो एक ही बात से रंग बदल गया, गाल तमतमाने लगे, आंखों से लपटें निकलने लगी, गुस्सा भी क्या अजीब चीज है, चार चांद लगा देता है सुंदरता को। खबरदार, मुझे हाथ न लगाना, मुझे हाथ न लगाना। आगे कदम बढ़ाकर पीछे हटना नहीं सीखा चौधरी ने। कौन है? कौन है? बोलो, किसने मेरी नाक बजाई? बोलो, कौन हो तुम? मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज आ रही है, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो। हे भगवान, देनू काका, देनू काका, कोई है? देनू काका, आया आया, अभी आया। देनू काका, क्या हुआ? आया क्या? आया क्या? क्या हुआ? देनू काका, क्या हुआ? चौधरी, चौधरी, खून, आया? ये सब क्या है बेटा? मैंने सुनी क्या दीनू काका? दीनू काका, मैंने भूल नहीं किया। रेम, इस वक्त यहां कैसे आ गए? घर नहीं गए क्या? हो आया हूं दिलीप बाबू। बहन से मिले? मिल तो नहीं सका। हाँ, देख आया हूं। क्या मतलब? अच्छी तो है ना वो? वो तो अच्छी है, लेकिन उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाले शैतान को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? वही जो सच है, मेरी अंधी और मासूम बहन, उसकी इज्जत बचाने के लिए मैं एक तो क्या हजार खून कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं प्रेम, लेकिन कानून की नजर में किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है। तुम अपने आप को मेरी हिरासत में समझो। दिलीप बाबू, मैं तो आपके पास हमदर्दी और मदद की उम्मीद लेकर आया हूं। मेरे दिल में बसे हुए इंसानियत के भरोसे को न तोड़िए। आपके सिवा और कोई नहीं जिसका दामन मैं पकड़ सकूं। मैं मजबूर हूं प्रेम, इंसानियत के नाते मुझे तुमसे कितनी हमदर्दी क्यों न हो, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं जो अपना फर्ज नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए दिलीप बाबू, लेकिन एक वादा कीजिए, मुझे वचन दीजिए कि मेरे बाद मेरी अंधी और लाचार बहन की देखभाल आप करेंगे। लेकिन प्रेम, मैं एक चौधरी खत्म हो गया है, लेकिन मजबूर गरीबों के लिए तो हर कदम पर एक चौधरी है। मुझे वचन दीजिए दिलीप बाबू, और फिर मैं हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। अच्छा प्रेम, मैं वचन देता हूं। दिलीप बाबू, मुल्जिम और गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि मुल्जिम एक जोशीली तबीयत का नौजवान है और उसे अपने जज्बात पर काबू नहीं है। उसने खुद इकबाल कर लिया है कि यह खून जोश और गुस्से की हालत में किया गया है, इसलिए अदालत जूरी की राय से इत्तफाक करते हुए मुल्जिम को चौधरी राम सिंह का कातिल करार देती है। लेकिन कत्ल के हालात को मद्देनजर रखते हुए और मुजरिम की उम्र का लिहाज करते हुए उसे 7 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है।
बंसी, अरे वो बंसी। जी आया सरकार। अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने घर की? सब सामान पर से कवर उठा दो, पर्दे ढंग से बांध दो, घर में धूप आने दो, रोशनी आने दो, रंगीनी आने दो। आज हमारे घर में फिर जिंदगी आई है। जमुना, ओ जमुना, यहाँ आओ, जल्दी आओ, इन्हें ले जाओ। आज छाया नई जिंदगी में कदम रख रही है। मैं इसके लिए सब कुछ नया चाहता हूँ। नई जिंदगी, नया घर, नए कपड़े, नया रूप, नया रंग, समझी? जी समझी। और बंसी, वो माली कहाँ मर गए? गणपत, ओ गणपत। ये पैना उधर। ये अंग्रेजी बाजार भी अजीब चीज है, जरा सा ढकेलने के लिए पांच आदमी। यकीन मानिए सरकार, सौ सौ साड़ियों में से एक एक नग चुनकर लाया हूँ। अगर सरकार बता देते कि पहनने वाले का अद्भुत रंगत कैसी है तो शायद। साड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। शुक्रिया सरकार, मुझे हुजूर की पसंद पर पूरा भरोसा था और इसीलिए साड़ी के साथ मैच करते हुए ये करे और बुंदे भी लेता आया। सरकार, ये वो चीज है कि देखते ही आंखों में रोशनी आ जाए। बंसी, तुमने ये सब चीजें देखी? देखी। कैसी है? अच्छी है। ये बुंदे अच्छे हैं, ये साड़ियाँ अच्छी, और ये जूते ये भी अच्छे हैं, और वो सिंगार का सारा सामान। सब चीजें देखी, बहुत ही अच्छी है। अच्छा, सामान छोड़ जाओ, बिल भेज देना। बिल की क्या जल्दी है, रुपया आपके पास रहा या बैंक में रहा एक ही बात है। बहरहाल हुजूर को जिद है तो बिल भी हाजिर है। ये क्या है जमुना? कालीन, कालीन। ओह, तो फिर ये वही होगा। वही क्या? तीनू काका ने कहानी कही थी, उसमें परियों की शहजादी इस पर बैठ कर जाती थी। मैं भी इस पर बैठूंगी। ये उड़ने वाला नहीं है रानी। आओ यहाँ बैठो, बैठो बैठो। टेलीफोन आया है। कौन आया है? जी टेलीफोन आया है। क्या तो साहब घर पे नहीं है? साहब ही तो बुला रहे हैं। बाबूजी, चलो चलो, कहाँ है? हेलो, अच्छी हो छाया? जी अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। उधर किधर देख रही हो? कहाँ गए बाबूजी? अभी अभी तो मेरे कान में बोल रहे थे। ये क्या कर रही हो छाया? अरे बाबू जी, इसमें तो बोल रहे हैं, इतनी सी चीज़ में से। ये होठों की लाली, और ये गालों की सुर्खी, ये क्या करने लगी तू? तुम्हारी आंखों में काजल लगेगा, आंखें अच्छी लगने लगेगी। आंखें अच्छी लगने लगेगी? हाँ। पर मैं तो अंधी हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। जमुना, ये कौन है? छाया। छाया, तुम खुश तो हो? बहुत खुश। हर बात से? पर बाबूजी, एक बात कहूँ बाबूजी? कहो। ये जमुना है ना, इसने जाने क्या क्या लगा दिया है मेरे चेहरे पर। बड़ी गर्मी लगती है, ऐसा लगता है जैसे ये चेहरा ही मेरा नहीं रहा। आपको कैसा लगता है बाबूजी? मुझे पगली है जमुना, भला चांद को भी कोई गहने पहनाता है? हाँ? कुछ नहीं, समझा दूंगा जमुना को। अच्छा, बाबूजी आंधी चल रही है, खिड़की बंद कर दो जमुना। आंधी तो नहीं चल रही है? तो फिर इतनी तेज़ हो रहा कहाँ जा रही है?
ये पंखे की हवा है। यहां आओ, देखो तुम्हारे पलंग पे जो डोर रखी है उसके बटन को जब तुम दबाओगी, दबाओ, हवा रुक गई, और जब तुम्हें हवा की जरूरत हो तो उसे फिर दबाओ, हवा चलने लगी। अरे बूंदनिया जो गा रही थी, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रेडियो। रेडवो? रेडवो देवी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। क्यों हंसे? क्यों? तुमने बात ही ऐसी कही, ये कोई देवी नहीं है, ये तो मशीन है। मशीन? तो ये मशीन में से आवाज आ रही थी? हाँ, जैसे कोई यहाँ बैठा गा रहा है, बिल्कुल इंसान की तरह। तो ये इंसान ही तो गा रहा था। और वो कहाँ गा रहा था? यहाँ से दूर, कोसों दूर। तो फिर यहाँ तक कैसे आवाज आ रही है? हवाएं उड़ा कर ले आती हैं। लो, सात समंदर पार की भी आवाज सुन लो। क्या करने लगी तुम? ओ, क्या हुआ छाया? बहुत दिनों से सोच रही थी, अब मैं समझ सकी हूँ। क्या समझ सकी हो तुम? ये
ये कि मैं मर गई हूँ और मरने के बाद ईश्वर ने मुझे स्वर्ग में भेज दिया है। बाबूजी, एक बात कहूँ? कहो छाया। आप बड़े दयावान हैं, एक दया और कीजिए। मैं बिल्कुल अनजान हूँ, कमार हूँ। आप मुझ पे हंसा न कीजिए बाबूजी। बुरा मान गई तुम? यकीन मानो छाया, मैं तुम पर नहीं हंसता। इस काबिल कहां हूं कि मैं किसी पर हंसूं? वो तो कहो तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखकर हंसना सिखा दिया है। कैसी बातें करते हैं आप, मेरी तो जिंदगी ही बदल दी आपने। ये राज कभी सपने में भी ना देखा था। मैं इस सब दया का बदला कभी नहीं चुका सकूंगी बाबूजी। बदला किस बात का छाया? तुम्हारे चेहरे पर खुशी की झलक देखकर मुझे सब कुछ मिल जाता है, और फिर मैं कुछ पाने के काबिल भी तो नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहती हैं आप? आप बस रहने दो छाया, अब तुम आराम करो, सुबह मास्टर आएगा तुम्हें सिखाना। मगर बात अधूरी क्यों छोड़ चले? कुछ नहीं, वो बात ही अधूरी है, अधूरी ही रह जानी चाहिए वो बात। मेरे लिए तो यही बहुत है, फिर मैं और क्यों चाहूं? गरज पैदा कर लेने से इंसान का सब कुछ करा कराया कारत हो जाता है। बेगरज लगाओ बड़ा दिलचस्प लगाओ है। चलिए नीना, तो फिर जल्दी आ जाइए, मैं यहाँ इंतजार में बैठी हूँ। थोड़ा सा काम रह गया है, अभी आया। कोई घंटे भर में? आपने तो कहा था मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, यहाँ तो मैंने कपड़े भी बदल रखे हैं। चाय का वक्त है। छाया, ये क्या बात हुई? दत्तबा उदिया। बड़ा सर। चली हवा जब तन को छू कर मैंने तुझे पहचान लिया। चली हवा जब तन को छू कर मैंने तुझे पहचान लिया। तुझ बिन कोमल हाथ ये किसका होगा मैंने जान लिया। धूप हवा सब रूप है तेरे, सब में तेरा नूर। रे मालिक सब में तेरा नूर। आ गए? यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तुम टेलीफोन करते करते रुक गई, मैं तो घबरा गया। आप तो यूं ही चिंता करते हैं मेरी। लेकिन छाया, तुम कुछ परेशान नजर आती हो। नहीं तो? मालूम होता है जैसे तुम अभी अभी रोई थी। वो तो यूं ही धूप में खड़ी थी। क्यों, धूप में क्यों खड़ी थी? आपका रास्ता तक रही थी, मुझसे वादा करके गई थी 4 बजे आऊंगा, और आ रही है 5 बजे। अच्छा, तो गया मैं खुद तुम्हारी उदासी का सबब हूँ। और नहीं तो? सैर को चलोगी? अब वक्त ही क्या रहा, अभी तो चाय पीने में भी वक्त लग जाएगा। तुमने पी ली? कहाँ पी ली, आपके बगैर ही पी लेती। पी ली होती अगर मुझे देर हो जाया करे तो तुम चाय पी लिया करो। बंसी, ओ बंसी, चाय ले आओ, यही ले आओ, यही पियेंगे। अभी लाया बाबू। छाया, क्या तुम जन्म से ही, मेरा मतलब है जन्म से ही तुम्हारी आंखें ऐसी थीं क्या? जन्म से तो नहीं बाबू, हाँ अंधी हो गई थी। अगर किसी तरह तुम्हारी आंखें फिर से हो जाएं तो? कितनी बेतुकी सी बात, अनहोनी बिल्कुल। अनहोनी क्यों, इसके लिए कोशिश ही कब की गई?
पर मुझे आंखों की जरूरत ही क्या है बाबू? यही क्या कम है कि मुझे दूसरे की आंखें मिल गई हैं और वो मेरा ऐसा ही काम करती हैं जैसे कि मेरी अपनी आंखें, अगर वो होती। क्या तुम जो मेरी आंखें बन गए हो, कितना दिलचस्प लगाव है हमारा तुम्हारा। अगर मुझे आंखें मिल गई तो शायद मैं यो हर वक्त तुम्हारी मोहताज न रहूंगी। हम दोनों कुछ जुदा जुदा से हो जाएंगे और ये मैं नहीं चाहती। छाया, तुम ये लगाओ मेरा अपना लगाओ, मेरा मतलब है तुम्हें इस दुनिया को देखने की कितनी आरजू होगी। इस दुनिया को देखने की तो आरजू नहीं है मुझे, हाँ पर तुम्हें देखने को जरूर जी चाहता है। मुझे देखना चाहती हो? क्या करोगी मुझे देखकर? मैं तो दुनिया वालों से कुछ जुदा हूँ। फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगी। दुनिया वालों से कुछ जुदा दुनियादार कैसा होता है ये जरूर देखने की चीज है। छाया, मेरी आदतें जुदा हैं, मेरे सलूक जुदा हैं, मेरी सूरत जुदा है, मेरी तो हर बात जुदा है दुनिया वालों से। तुम्हारी आंखें हैं? आंखें तो हैं। माथा? माथा भी है। बाछा? बाछा भी है। और गर्दन? गर्दन भी है, हाथ भी है, पांव भी है। फिर तो तुम औरों के जैसे ही हो। हूँ तो मैं भी औरों के जैसा ही, फिर भी कुछ मुख्तलिफ हूँ। तो फिर क्या अनोखापन है तुम में? एक ऐसा ही अनोखापन, देखोगी? जरूर। छाया को अगर आंखें मिल गईं, छाया को अगर आंखें मिल गईं, ठोकरें नहीं लगेंगी छाया, कल ही तुम्हारी आंखों का इलाज कराया जाएगा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर दिलीप, ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन डॉक्टर, क्या सचमुच छाया को आंखें मिल जाएंगी? इसमें कोई शक नहीं? बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं। आप घबराते क्यों हैं? ईश्वर की दया से कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ देखेंगे और उनकी आंखों की रोशनी आपका शुक्रिया अदा करेगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। तो हम रानी जी को ले जाएं? अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद जब टांके निकाल दिए जाएंगे। जी अच्छा। रानी की पट्टी अभी खुलने वाली है, वो तुम्हें बुला रही है। सोच क्या रहे हो? चलो उठो। बंसी, बाबूजी नहीं आए? मैं आ गया छाया। कहाँ थे आप? मैं सुबह से आपकी राह देख रही हूँ। जाने कितनी बार बंसी से पूछ चुकी हूँ। मैं तुम्हारी बेताबी समझ सकता हूँ छाया। आज बरसों की अंधेरी रात के बाद सुनहरा दिन जो निकलने वाला है। हाँ, सुनहरा दिन, सुनहरी रोशनी, जिस रोशनी में मैं अपने बाबूजी को पहली बार देख रही हूँ। चलिए छायारानी, लेट जाइए, अभी पट्टी खुलेगी आपकी। मगर ख्याल रहे एकदम आंखें ना खुलिएगा, धीरे धीरे। और शुरू में अगर धुंधला सा लगे तो घबराइएगा नहीं। चमना, रोशनी कम कर दो, वो सामने का पर्दा गिरा दो। Thank you.
खोलिए आंखें धीरे धीरे। अच्छा सायरानी, अब मैं चलूंगा। नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ छाया। आंखें मुबारक हो छाया। मुझे देखना चाहती हो? क्या करोगी मुझे देखकर? मैं तो दुनिया वालों से कुछ जुड़ा हूँ। बाबू छाया, आंखें मुबारक हो। बस डर गई और हमने जो कहा था आखिर वही हुआ। तुम डरी गई हाँ? आज मैं इतना खुश हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ये बेइंतहा खुशी भी किस तरह बर्दाश्त कर सकूँ, किस तरह बर्दाश्त कर सकूँ ये खुशी। ज्यादा खुशी से भी दिल फटने लगता है। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। बंसी, रानी को एक एक करके तमाम चीजें दिखा दो इस घर की। चलो बाबू, मुझे दुनिया दिखा लाओ। हाँ चलो, तुम भी तैयारी कर लो, मैं भी तैयारी कर कर आता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये भी कोई पूछने की बात है जमुना? मैं हंस रहा हूँ, खुशी से पागल हो रहा हूँ। भगवान के लिए ऐसे ना हंसो। ऐसे ना हंसूं तो और हंसी कैसे सकता हूँ जमुना? बहुत रो चुका है इस दिल की वीरानी पर, लेकिन अब के जो मेरे जख्मों के टांके टूटे हैं तो हंसूंगा, जिंदगी भर हंसूंगा। अपने लिए नहीं तो औरों के लिए हंसूंगा, छाया के लिए हंसूंगा। इंसानी मोहब्बत के अजीम तरीन यादगार शाहजहां की आंख से गिरा हुआ आंसू हमारे सामने है और तुम उसकी तरफ से मुंह फेर रही हो। मुझे वापस ले चलिए बाबूजी, मैं घर जाऊंगी। लेकिन छाया, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है।
मैं और कुछ देखना नहीं चाहती बाबूजी, मुझे घर ले चलिए आज ही अभी। अच्छा रानी, जैसे तुम कहोगी, चलो। रहा हूं, क्या दुख है तुम्हें? नहीं बाबूजी, मुझे कोई दुख नहीं। आपने मेरी जिंदगी में क्या कम खुशियां भर दी हैं। मैं तो जैसे स्वर्ग में हूँ। छाया, आत्मा प्यासी हो तो स्वर्ग में भी दिल घुटने लगता है। कह दो अपने दिल की बात। मगर क्या कह दो, कुछ बात भी तो हो। झूठ बोलती हो छाया, जरा उस शख्स की निस्बत भी सोच लो। उसके दिल का क्या हाल हो रहा होगा जिसने तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए अपने तमाम बल निपटा के रख दिए हो, और फिर आज वो तुम्हें रोता हुआ देख ले। बताओ तुम क्यों रोई? बस ऐसे ही रो पड़ी। ऐसे ही कौन रोया करता है?
अब भी कोई फांस चुभी रह गई है तो कह दो। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम का छाया तो तुम्हारे मन में क्या है? वो कौन सा दल है जिसकी तकलीफ से तुम रो पड़ी? मैं आपकी दया के काबिल नहीं बाबूजी, मुझे अपने घर से निकाल दीजिए, फिर उसे सुसक्त जिंदगी में भेज दीजिए, मुझे फिर से अंधी बना दीजिए बाबूजी, मैं तो वैसे ही अच्छी थी। तुम्हें अपने घर से निकाल दूं? मगर क्यों, यहाँ क्या दुख है तुम्हें छाया? यह स्वर्ग मुझे नहीं भाया, यहाँ मेरा दिल रोता है, यहाँ मैं घुलती रहती हूँ, ये सुख मुझे खाए जा रहा है बाबूजी। ये तुम क्या कह रही हो छाया? मैं उस कांटों की दुनिया में अपना जीवन उलझा आई हूँ। बाबूजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन लेकिन जिसे यहाँ आकर मैंने खो दिया है, आप उसे नहीं ला सकते। वो कौन है जिसे तुमने खो दिया है? मैं उसे कहीं से भी लाऊंगा। आप उसे ले आएंगे बाबूजी? हाँ, मैं दुनिया का कोना कोना छान कर भी उसे ले आऊंगा। बताओ, तुम किससे मोहब्बत करती हो? एक अंधे से, रमेश बाबू नाम है। रमेश बाबू? तुम भी रमेश बाबू से मोहब्बत करती हो? तुम भी? फिर कहीं जा रहे हो? हाँ। तो इस वक्त भी खाना नहीं खाओगे? नहीं जमना। कहाँ जा रहे हो? कोई जरूरी काम है? बहुत ही जरूरी। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी तबाही मिले उसे उठा लाऊं। मैं एक लुटेरे से ये कहने जा रहा हूँ कि मेरे घर में थोड़ी सी पूंजी फिर जमा हो गई है और उसे लूटने के लिए तुम्हारी जरूरत है। चलो, चल कर लूट लाओ। मैं तो हूं ही इसीलिए कि जो कुछ भी जमा करता रहूं लुटाता रहूं। कहां बाबूजी? ले चल भाई, सारे शहर की खाक खाने ले चल। आंखें वालों, आंखें बड़ी नियामत है। दे राहे खुदा बाबा, दे राहे खुदा बाबा, दे राहे खुदा बाबा, दे राहे खुदा बाबा। रमेश को जानते हो? दे राहे खुदा बाबा। रमेश को भी जानते हो? कौन रमेश? अंधा रमेश। तुम नहीं जानते? मैं नहीं जानता, अंधे पर दया कर दाता। ओ भाई सूरदास। हाँ बाबा। रोजी बड़े हो बाबा। रमेश को जानते हो? रमेश को जानते हो? हम अंधे ऐश क्या जाने, ऐश तुम्हें ही मुबारक हो, अंधे पर दया कर दाता। अंधे का सवाल है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम भला करें सखी दाता। रमेश को जानते हो बाबा? अंधा रमेश? हाँ। यही नजदीक एक मंदिर है, उस तरफ कुछ दिन हुए वो वहीं था। अच्छा। हाँ दाता। आपको पहले कभी मंदिर में नहीं देखा? जी, पहली मर्तबा आया हूँ। एक इंसान की तलाश यहाँ तक खींच लाई है। यहाँ लोग भगवान की तलाश में आते हैं, आपको इंसान की तलाश है? ऐसा कौन सा इंसान है बाबू? एक अंधा नौजवान, रमेश नाम है उसका। क्या कहा, रमेश? जी हाँ। यहीं रहता था मेरे पास, फिर एक दिन चला गया, उसके बाद आज तक नहीं देखा उसे। बहुत भला था बेचारा। जी, उसी की तलाश है मुझे, उसके फिर यहाँ आने की उम्मीद? लगता तो नहीं, मगर भगवान की लीला अपरंपार है। मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? सारा सारा दिन गलियों और सड़कों की खाक छानते फिरते हो, तमाम दिन भूखे रहते हो, तुम्हारी तंदुरुस्ती बिगड़ रही है बाबू, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं जमना। तुम उससे छिपाते हो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बाबू। मैं एक जरूरी चीज ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिलती, और अब वो यूं नहीं मिलेगी।
जमुना, मैं चाहता हूं अपनी जायदाद के हिस्से को भगवान के नाम पर खैरात कर लूं। छाया की खुशी और मेरे दिल की शांति शायद उसके घर के दरवाजे पर मिल जाए। भगवान सुखी रखे, भंडार भरे रहे। लो बाबा, कंबल लो, नया कंबल है। छाया, रमेश बाबा, छाया, छाया, बंसी जी, वो चीज मिल गई, उसे रोक लो, कहीं वो चला ना जाए। कौन, रमेश? हाँ रमेश, उसे रोको, मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ख्याल रहे रमेश को यह कतई मालूम ना हो कि उसका सेवक कौन है। जी बहुत अच्छा। दो छाया, ये कौन है जो मेरी खातिर बिछा जा रहा है? मैंने उसकी अभी तक आवाज भी नहीं सुनी है। बस देवता समझ लो उन्हें। काश मैं उस देवता के दर्शन कर सकता। अभी उनके दर्शन कर लोगे, अभी खुल जाएगी पट्टी तुम्हारे। चलिए रमेश बाबू, लेट जाइए। मेरी जायदाद का आधा हिस्सा छाया को और चौथा जमुना और बंसी को, बाकी धर्म के कामों में। आखिरकार तेल खत्म हो ही गया हमारे दीपक का, सारी बत्ती जलते जलते राख हो ही गई। आंखें खोलिए रमेश बाबू और अपने पुजारण को देख लीजिए। पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे रोशनी की जिंदगी बख्शने वाला कोई दूसरा नहीं, खुद दिलीप है? पर बाबूजी ने मुझे मना कर दिया था। मना कर दिया था? बंसी, कहां है बाबूजी, कहां है दिलीप बाबू? दिलीप, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बख्श दी मुझे आगे, मुझे जिसने दोस्ती का खून किया, समाज का खून किया, इंसानियत का खून किया? इन आंखों को रोशनी देने के बजाय गर्म सला के क्यों ने घोप दी में, जहर देकर मार क्यों ना डाला मुझे, गोली से उड़ा क्यों नहीं दिया इस इंसानियत के दुश्मन को? ऐसा करने से क्या मेरी खुशियां वापिस आ जाती रमेश? मैंने जो कुछ किया है, मैं जानता हूं तुमने क्या किया है। तुमने मुझसे बदला लिया है, ऐसा बदला जो खौफनाक से खौफनाक दुश्मन ले सकता है। मगर मैं तुम्हारी इरादे कामयाब ना होने दूंगा। मैं उस जिंदगी की सांस ही खत्म कर दूंगा जिसकी धड़कन पर तुमने अपने बदले की बुनियाद रखी है। रमेश, रुक जाओ। तुम्हारे पास आएगा छाया, जरूर आएगा। रुक जाओ, रुक जाओ।
तुमने क्या किया दिलीप, मुझे माफ कर दो दिलीप, मुझे माफ कर दो। रमेश, छाया का ख्याल रखना रमेश, छाया का ख्याल। दिलीप, दिलीप।